कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबियत से उछाल वो यारो। जी हां, यदि हौसला हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जमुई के गिद्धौर प्रखंड के सेवाग्राम स्थित मध्य विद्यालय में, जहां एक दिव्यांग युवक पिछले 16 वर्षों से शिक्षा का अलख जगा रहा है। एक ऐसा युवक जिसके दिव्यांगता से परेशान होकर कभी इसके माता पिता ने इसे किसी ट्रेन में बैठाकर इससे छुटकारा पाने का मन बनाया था। आज इसके हौसले और लगन से वही मां अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। हम बात कर रहे हैं व्यास नामक एक दिव्यांग शिक्षक की। इन्होंने अपने दिव्यांगता को अभिशाप नहीं माना, बल्कि इन्होंने पढ़ाई कर बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने का निर्णय लिया और इसमें सफल भी हुए। इनके द्वारा पढ़ाए जा रहे बच्चे काफी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं और नवोदय, रेलवे, बैंकिंग आदि में अपना भविष्य संवार रहे हैं। बता दें कि बचपन में ही इसे पोलियो मार दिया था। माता पिता की काफी इलाज और मेहनत से यह ठीक तो हो गया, लेकिन पैर ठीक नहीं हो सका। समय बीता और इसने रांची की एक युवती से प्रेम विवाह। आज यह युवक न केवल समाज में एक मिसाल बना, बल्कि शिक्षक बनकर अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहा है। देशवा न्यूज के लिए जमुई से ब्रिजमोहन भगत की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।